भाई साहब ने भाई आज हम आपको मिलाएंगे हमारे ताऊ जी से भाई, इनसे बात करेंगे भाई। यहाँ से जा रहे थे तो गांव रमैणा गांव से भाई हम यहाँ से जा रहे थे तो भाई सोचा कि इनसे ना बात करते हैं ताऊ जी से, और इनके अनुभव के बारे में भाई बात करते हैं। इनके जो खेती के ऊपर अगर हम बात खेती के बारे में बात करें तो एक इनका अनुभव क्या रहा खेती को लेके, तो उसके बारे में इनसे बात करने वाले हम। तो राम राम ताऊ जी, राम राम भाई। कैसे हो ताऊ जी? भाई ठीक साथ अब ये ठीक किस? अच्छा, के नाम आपका और कहाँ से हो आप? मैं गांव रोमांड का हूँ भाई, अगड़ी नाम से मेरा। अच्छा अगड़ी। हाँ, यो अगड़ी जो नाम है नहीं, यो पहली बार सुना मैंने, मतलब यो नाम कैसे पड़ा आपका? सीधा है पाउस। हाँ सीधा है यो तो घर के अंदर टिकोड़ा है बोला फलाना दखड़ा बोला फतेह सिंह अगड़ी वो नाम रखा था। अच्छा, तो यो नाम सी पसंद है रहे है? सी नाम है यो है। हाँ, अपने किले किस तरफ से हैं? मेरे किले तरफ मयड़ की तरफ। अच्छा मयड़ की तरफ, वही पूरा सड़क रो थे वो ऐसे घूमने आ रहा था। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 80 बरस की है। अच्छा, आप 80 साल की हो गए, ठीक है। इब्नू बताओ कि आजकल खेती में क्या सीन चल रहा है? खेती में भाई बरसाएं तो होगी और पानी लाए दिए लोगों ने पहला एक गण खरीद गेहूँ तो पानी पड़िया ऐसे और पीड़ी भी हो रही है हैं, खाद गेरे भी से। अच्छा हाँ, कुछ पीड़क पे भी से तो ये देख। अच्छा, ये दिखने लायक रहता हो जी, देखो मेरा पानी पानी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और कई जगह जो उस जगह से उसमें ठीक भी से और लाग रही है लोग अपने दबा दब, कोई खाद गेरे से कोई दवाई गेरे से। अच्छा हाँ, अपनी अपनी कोशिश कर रहे सारे। अच्छा हाँ, नू बताओ आजकल कमाई रह गई कि खेती में कौन रही? खेती में खेती में भाई पहला तो बचत थी। अच्छा, क्यों हमें आपके अच्छे कमा कर दे हैं सारा काम। आजकल वाले सोरे से भाई पजामे का रेता कौन लागण दे हैं। अच्छा हाँ, और भाई सारे तो मशीना तो बहुत है, मशीना तो काट रहे हैं बिहारी आए जैसे से बचत भाई कि मैं थोड़ी घनी रह गल ही गल लाई गई बचत है भाई सक्षम में। अच्छा हाँ, चण में और सरसों में बाजरे में इन में बचत। अच्छा हाँ, क्या बात, क्यों सरसों में कोई लागत को नहीं, एक बार बो दो एक पानी लगा दो ठीक है बेड़े पैरों से। अच्छा, चना में कोई खाद की जरूरत नहीं, को एक पानी लगा दो भगवान मोट तो कर दे तो चोखा चने हो छकमा। अच्छा, बाजरे में एक पानी लगा दो 40 मिनट तक आठ बाजरा को नहीं होने। अच्छा है भाई, इस बात ना लोग मानते को नहीं क्यों, आजकल में सबसे बस काम करना नहीं पड़े धन हो। अच्छा क्या बात, यो सिस्टम है। आपकी क्या उम्र जाब खेती में बड़े? मैं खेती में मैं बढ़िया था भाई 20 साल का। 20 साल का? हाँ 20 साल का। इतना लेक उस टाइम पर तो भाई 10 साल में खेती बढ़ जाया कर दे 15, आपने 20 साल की उम्र लगा दिए। मैं पढ़ा कर देगे, मैं 5-7 पढ़ा भी हूँ। अच्छा, फिर भाई फिर खेती में बढ़ गई, पहला भाई डांगर डोर भी गणे रखा करते कदे डांगरा गला हंडे जाते, फिर खेती में बढ़ गई। अच्छा, नु बताओ फिर आप आगे पढ़े क्यों नहीं फिर? भाई कर्म ने कौन पढ़न दिया। अच्छा, आजकल नहीं ताऊ जी पढ़ाई ने गणा प्रमोट करें भाई, तुम पढ़ो लिखो। हाँ। के करो खेती करके, उस टाइम पर नू था कि यार के करा पढ़ाई कर, जमींदारा करांगे खेती करांगे, और उस टाइम पर नू था कि 12वीं के बाद आपने अच्छी खासी नौकरी मिल जाया कर दी। और आजकल तो भाई बीए नाल ने भी चपड़ासी की नौकरी को नहीं मिलती। पहला तो 8 7 का नौकरी मिल जा कर दी पटवारी मास्टर। हाँ हाँ, 8 7 का होता नहीं। हाँ। उसने नौकरी मिल जा कर दी तो हमें फिर घर के न बोले भाई कोई काम करनी है कोई नहीं, अपने जमींदारा करो। मारा बाप को 40 किले जमीन की थी आपके। हाँ, जब क्या नाम था आपके फादर साहब का? हीरा। हीरा, अच्छा उनका भी नाम मतलब हीरा है ना? हाँ। मतलब नाम मेरे पिताजी का हीरा नाम है। अच्छा, नाम मतलब नू थोड़े नू यूनिक से आया करते नाम है उस टाइम पे जो। हाँ। आजकल तो भाई गणे फैंसी नाम हो रहे हैं। ईब का तो के। अच्छा हाँ बताओ, के कहो थे? ये कहो था फिर खेती में जाए बड़ी अमी बोला भाई अपना काम करनी है कोनी खेती कर लागो। मैं चलो भाई। अच्छा, फिर खेती में लाई चने बोंदे। अच्छा, 500 चने हुआ कर दे मारे। कितने मन? 500 चने। 500? हाँ, पक्की बात है? पक्की बात है, हमारे 41 किले जमीन के और आसे बलद रखा कर दे तकड़े है। आड़े शीरी रखा कर दे। अच्छा,
और गेहूं को नहीं बोया कर दे दे, गेहूं तो हम थोड़ी बोया कर दे, 25-26 किल्या में ना 40 किल्या में 4 किल्ले गेहूं के मसा बोया कर दे। अच्छा, और सारे चने चने बस बस खूब बोया दे। अच्छा, क्या बात है। और एक दो किलो में सरसों बो दें दे घर तेल ताल कर, तेल कटा लिया डांगर दे देंगे। और पहला गुलगुले सवारी बहुत हुआ कर दी। अच्छा, हाँ कितने खाई जाया कर दिया वो? हाँ तो क्यों खा करते नहीं, हमारा तो खाना है देसी घी का, मैस रखा कर दे तीन तीन चार चार। अच्छा, दूध और दही और देसी घी का खाना। अच्छा, हाँ देसी शक्कर होंगी पहला है, दोनों बक्ते शक्कर खाना। अच्छा, वाह वाह, शक्कर बेब बेब असी खीर बना लेंगे। ईब कड़े खाना तो सही कोई नहीं खाना है, क्यों नहीं कहते कौन रहा खाना खाना के कौन रहा ये तो जो ठीक करा इस मारे गूटे। अच्छा, अरे हाँ घर जाएंगे सब्जी साहब चुन लिया कितनी थी और ये बटे मलंग तो हंडे जाड़े दारू पिए और लुगाई बेचारी मेहनत कर दी हंडे जा गरीब बाकी। हाँ है हमारी हरी श्या ये वो खाने को रह रहे भाई ये गलत भी है दारू दूर के एक रहे दारू पीना लड़ंगा। अच्छा भाई, जो बड़ा जमींदार से ये उनका बहू आएगी लिखी पढ़ी। हाँ है ना, तो उनको बता था मैं। हाँ। ना सानी का हलावे पहला था सानी काटा कर देनु बड़ा। अच्छा, तो मशीन ये चल रही बिजली वाले तो ना वो सानी काट के राजी ना दूध बलो के राजी है, दूध होगा बलोन दी होंगी तो मशीन की रही लाई दें आप पे मशीन तो बिल नहीं आप मारा कर दे झड़ है दोनों आता था। अच्छा, हाँ तो भाई महाराज देसी काम थे वहाँ आए गए हुए भाईचारे की बैठक होंगी बढ़िया भाई आपस में बतला दे राजी खुशी के बोलते हैं। कोई भाई गायम बिक जाता तो देखियो रे भाई वो भाई गायम जा रहे उसके बाल कहाँ देखियो भूखे जगते साए। अच्छा, ईब कोई कोई पूछे वो भाईचारा था वो ईब कोई पूछा बोला मारे ईब तो कह तो बेटा बाप ने कौन पूछता ईब बस तनवीर है शायद सारी बात ना तो पूछना चाह नहीं क्योंकि आप ना कौन पूछ दे। अच्छा, एक नु बताओ ताओ जी, अगर आप उस टाइम पे पढ़ते नहीं तो आज आप नौकरी पौंदे तो धोखा हो यार, अगर यार मैं पढ़ता तो आज नौकरी पौंदा मेरे बेटी, मतलब एक वातावरण ऐसा हो जाए तो दिमाग में बात आओ यार अगर मैं पढ़ता तो आज मेरी कहानी कुछ और होंगी, मेरा दिमाग कौन चलिया। अच्छा, हाँ क्यों घर में सारी चीज जमीन होगी बस फिर क्या नौकरी करनी है क्या करना पढ़े कौन अगर पढ़ते आपकी कुछ कहानियां अलग ही होंगी आज है नहीं नौकरी पौंदे आप भी उस टाइम पर नौकरी मिल जाएगी कर, कर्म की वास। हाँ नौकरी मिल जाएगा कर दी आराम तो मिल जाएगा उस टाइम पर तो क्यों पढ़े ले गए तो गाइड थे नहीं। हाँ आजकल तो बी आर ने भी चपड़ासी की नौकरी को मिल दी ईब तो मिल दी है कोई नहीं ईब तो जो अच्छा पढ़े है नहीं लंबरा के हिसाब से नौकरी मिल जिस ईब तो पहला तो रिश्वत भी दिखाई देंदे ऊँ भी दिखाई देंदे रिश्वत भी बहुत चाली से यो देश तो खराब कर दिया रिश्वत नहीं गणा। अच्छा, जो रिश्वत लेवन लोग गाते हैं उस टाइम पे भी लिया करते ना उस टाइम मत कौन लिया करते उस टाइम मत तो क्यों सरकार हाँ भाई उस टाइम मत तो सरकार बदली थी अपनी समझ ले हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गए थे हैं तो उस टाइम में भाई कोई छोटा नौकरी भाई कोई मास्टर लाइक जे कोई थोड़ा पढ़ा पटवारी लाइक जे अपने इस पोजिशन पर सरकार ने तरीका चला रखा था थोड़े थोड़े पढ़िया का और गाने पढ़े कड़ पाँच जिन जिस स्कूल के कौन थे महाराज स्कूल था यो यो रहा डंडेरी यो स्कूल डंडेरी का दौरा छोड़ यो तीन का महा स्कूल था हमारा और ये स्कूल था आठ का छः का भी था फिर आठ का हो गया पूरे तो महाराज बगाना के पढ़ना आ कर दे उम्र के सुल्तान पर के बालक मयड़ के पढ़न उरा कर दे बहुत दूर था ये स्कूल कौन थे ये। अच्छा, गाँव में छोटे छोटे थे दो का तीन तीन का चार का बस जो फिर पाँच छः दस का बनिया। अच्छा, क्या बात है। ऐसा कुछ एक ताओ जी नो बताओ कि आजकल तो खान पीन जमा खत्म हो लिया जहरीला हो लिया तो उस टाइम पे के खा कर दे के पिया कर दे उसके बारे में बताओ दो एक मिनट आपका मतलब उस टाइम पे आप के खा पिया कर दे और आज भी आप सही कंडीशन में हूँ कि आज वाले जो नौजवान है नहीं वे 50 साल तक लेके 80 साल में जय आराम हो रहे हैं और आप तो 80 साल के और आज भी भाई लाके 20 साल का बड़ा नाके कौन जान दो आप और 100 साल भी जियोगे मेरे हिसाब से तो जी साहब आपकी कंडीशन है। पहले तो भाई देसी खाना होता घी का दूध का। अच्छा, मैस ने बिना इसमें बाड़ी में हम दवाई नहीं छिड़का करते
अच्छा देसी बंदोले होंगे बिना दवाई के अच्छा वो पड़ते देसी बंदोले चने पड़िया करते माशा ने हरेक जो चाट था नहीं माश का देसी था उसमें जहर नहीं था। अब बंदोलिया में भी जहर दवाई पर दवाई दवाई पर दवाई सारा में जहर है जहर। अच्छा वो जहर का खाना हो गया पहला देसी दूध असि माश बाहर छिड़किया कर दी बरसात हो जाती और हरेक चीज सर्दी में समाणा में जमीन खाली रहती थोड़ा माश चरिया कर दी। अच्छा तो उसमें हरेक चीज की बूटी भी खाया करती हुए और बीमारी कौन थी उसमें। अच्छा अब तो भाई सारा जहर उस दवाई पर वह दवाई नहीं वह दवाई पलटो ये वह दवाई सारा जहर का खाना हो गया भाई जहर से आदमी मकोड़ा ही डाल गए सारे। अच्छा भाई देख लो कोई कहा बुजुर्ग तो बेसंग तो कोई असली घर का तो छोट बेसंग छकिया हो ये सब मकोड़िया वर्गे पाओगे। अच्छा इनको नौजवान आपकी देखा है वीडियो आपको उनके फोन नाम है क्या टीवी में देखा कड़े भी देखा है तो उस तक आप क्या कहना चाहो उनने तो भाई अच्छी शिक्षा जाम तो आप उनके बाप समान हो दादा समान हो तो आप उन के गाइड करना चाहोगे हम तो गाइड यही करा भाई अच्छे चलो है शराब छोड़ो ये अड़ंगेबाजी छोड़ो अच्छे काम करो भाईचारा बना के चलो फिर ये बुढ़ा ही मंदा को सुसरा हुए फोकस है बुढ़ा ही कोई मानता कोई नहीं वे ना धोरे बैठे अरे छोरा पानी ले रहे तेरे कटरे से खड़े फीलिंग तो तेरे क्यों रहा है ऐसा नू बोल रहे हैं नू उल्टे बोल रहे हैं तो सारा शर्म आने चाहिए तो नू बोल रहे हैं ना ना शर्म ले आज गई आई हुई ये तो शर्म वाला जमाना है कौन भाई शर्म वाला जमाना खो रहा बाप बेटे की शर्म नहीं है सासू बहू की शर्म नहीं है आपस में घुड़े जा लड़े जा ये कोई अरे भाई आपस में तुम्हें पता है हरियाणा के अंदर इतना बगन है कि लुगाई छोरी लड़कियां है ये तो बेकार है चलिए बहुत यार कॉलेजा में जावे और जाए के बस बहुत ही गल बिक जाए कोई जोड़ा नहीं। अच्छा बहुत जहाँ अच्छा वो तो हर बंदे की सोच होया कर रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं वहाँ पे तो उस पर होंगे कौन टिप्पणी दिए देने वाले हर बंदे की अलग सोच होगी नहीं ऐसे बैठना मैं कह जाऊँ भाई अपना हरियाणा के अंदर है नहीं इतना काम गंदा हो रहा है बहुत होना राजस्थान में नहीं इतना दारू धप्पा बहुत हो गया जो पहले पंजाब में तो था ना नू अपना हरियाणा में गया आजकल तो 18 साल के बालक भी ना नू थोड़ा पांडे पीते हो दारू खूब तो इसमें बात यह है भाई पंजाब में जरूर दारू शराब पिया करते फिर भाई माल बहुत खाओ सच्चे मेहनती है मेहनती लोग किसान भी बहुत आड़, हर किसान मेहनती है लेकिन फिर रेट तो नहीं मिलते फसल के आड़ को नहीं रेट तो खैर भाई जो एक बात और सुनिए जो फसल है रेट क्या है कह तो पहला तो बेच दें दे अपने इन पर अड़ दिया के ये कहते हैं गवर्नमेंट का कई बचाल देखो इन लोग गवर्नमेंट का कई बचल देखो इन लोग गवर्नमेंट का भी मोटी खेती करो अच्छा काम करो सरसम के बाद खूब जा रही शक्कर में सरसम लोग बंदे कोई नहीं है और बाजरे के भाव भी बतेरे से गेहूँ आगे बाद ला ले 2000 के हो जाएंगे समझ ले इसमें खर्चा हो जाए 3000 रुपया का। अच्छा क्या बात आप इस गांव में रहता हो जितना साल हो गया आपने सारी उम्र इस गांव में कैट दी आपने के लगे यार इस गांव की समस्या दूर होनी चाहिए आपके हिसाब से आपने के लग गया कि कोई गवर्नमेंट देख दो कोई अफसर देख दो आपकी वीडियो तो आपने आपने के लग गया हमारे गांव की समस्या दूर कर दो मानो आ रहा कि मैं भला हो जाएगा। अच्छा गाँव की समस्या आप क्या बताना चाहो मैं तुम्हें पूछूँ आप तो अच्छा हमारे गाँव की समस्या हमारे गाँव की समस्या तो ठेकन बिगाड़ रखी अच्छा दारू यो ठेका होना चाहिए गम तक कम भी 5 किले दूर गांव से बस्ती गए माता बहने सारी माता बहने आती हैं यो बुरा काम हो रहा है इस कह कोई सकता नहीं क्यों आपस में कौन बुरा मनाओ भाई कौन बुरा मनाओ भाई एक तो ये ठेके दूर होने चाहिए इस वक्त शराब पटन लाई जाएगी नी सारा काम सुधार पाएगा ज्यादा दारू पी लोग पैसे गाड़म दुखड़ो है बदीन माटी शर्मदार सो अपने भीतर बैठ जाए भाई क्यों माथा मारा किसी गल है ने पंचायत पर डंकी पंचायत कोई डंकी कोई पंचायत डंकी
अच्छा वही मुंह देख माटी के करस अच्छा काम का और न्याय काम का कोई वो सुधार नहीं कर सकती है अच्छा अरे और बड़ी बात के है भाई मारे आज पुराना कदीना एक मुसलमान बसोड़ा आड़ गांव में मुसलमान है और लोहार मिस्त्री था हमारा और गांव ने राख भी रखा था और माशाल्लाह में भी कौन जान दिया बोला पहले हल्के काम हुआ करते नहीं थाली कसोले कसे गंडासियां नहीं उसने ये मुसलमान दब है नी बच्चन मानस ने उसने गांव जगह भी कौन देता बेचारा ने वो पांच साल हुए टक्कर मर दांडा से भाई हमने भी जगह दो गांव वो भी इंसान है वो भी इंसान इस देश का नागरिक है वो हाँ नागरिक है बहुत सालों से है उसके दाद बाप दादे बसंदे हैं अड़के और अब भी उनके घने घर वेरे हैं वह मूर्ति को उठाकर डंडेरी ले गए और एक वो पड़ा है खेड़ा हा बोड़े दफनाए गए आड़े गांव इतना जुल्म है नू नहीं कह सकता भाई ने भी जगह जो समलाच पड़ी है क्या कहूँ हम कुछ कई इंसान भी सुन जाएंगे है अच्छा ये समस्या तो बनी है इस गाँव की वो ये नू तो हर बात पर समस्या है जगी गांव की तो इतनी समस्या गांव में अच्छा एक नू बताओ ये जो गवर्नमेंट की में कर रहे किसान भाई है खतरा अपने के लग है भाई देखो किसान भाइयों के बारे में तो गवर्नमेंट का भी मेरा तो देख मतबल पड़ता को नहीं क्यों छोरे सारे कर आप तो 20 साल हो छोटे को आप तो खेत में जाए 10 साल होगी अच्छा लेकिन नॉलेज बहुत है आपा ने कोई नहीं जरूरत भाई आप ही पूछ दे को नहीं भाई के तो करो और के ना कर दो बाजा दौड़ी तो रहे से नू कह मरगी 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 के मैं नहीं हाँ तो मैंने कोई पता नहीं खुद आप करें नहीं कैसे उसने तो नू पता फटर भाई इतनी आदमी से इतना लागत होगी तो इसमें मैं कोई जानकारी कोई मैं तो 10 साल हुए खेत में जाए अच्छा ट्रैक्टर भी चलाया कर दिया उस टाइम पे ट्रैक्टर था हमारा शीर का ना छोटना भाई चलाया करता अच्छा आज से कई साल पहले की बात अच्छा ले लिया था फिर बेच दिया हमने नहीं नारी होगी फिर एक नु बताओ आपने ट्रैक्टर भी चलाए हैं और बढ़ते भी खेती करी होगी तो दोनों का अनुभव बताओ कि बढ़ते ही से मजा आ करता ट्रैक्टर से मजा आओ खेती करने में भाई मैं बताऊँ बात नहीं हाँ ट्रैक्टर की कमाई तो ट्रैक्टर का गला ही लागे मैं सीधी बताऊँ उस बात बड़द की कमाई है उसमें फायदा था हमारे तो अच्छा बड़द की कमाई था हाँ बड़द की कमाई फायदा था आज तो ट्रैक्टर है नहीं दो अंगल ते फालतू तो हर्रो खोला दे ऊपर ऊपर बजाए के कुदाए दे से भाई दिया भाई वान भाई दिया है अरे भाई बड़द थे नहीं वह भाई दन हाथा ही दाब दिया कर दड़ पर बेटी चले एक हाथ से लगा था धरती फोली हो जाती सारी फसल वक्म होया कर दी अच्छा हाँ ये यदि दिक्कत आई इतने ये दो अंगल तो फालतू तीन अंगल तो फालतू हर रखो लाइक नहीं मैं अच्छा ये जिदे तो फसल खराब जड़ कौन जानी नीचे तिदे तो फसल खराब हो सी ज्यादा अच्छा। क्यों तला दा डीम पटदा नहीं डला पटदा नहीं थोती नहीं होती धरती दो डट कर जाएंगी अच्छा हाँ क्या बात आपने फिर जो बढ़ते रखे उसके बारे में बताइयो आपने टाइम कौन देखे आपने टाइम देखे आपने उसमें मजे भी लिए उस टाइम में इंजॉय भी करे जो आप खेती करी उस टाइम पर उस टाइम मजे भी आया करते खेती करने में और फायदा भी आया करता आजकल तो फायदा कौन था खेती करने में तो इनू बताओ कि जो बढ़त आपसे खेती कराया करते कैसे खेती कराया करते कितना का वो जो बढ़ दो चारा खाया करते उसके बारे में बताओ बढ़ चारा तो भाई देखो बहुत ही लड़ लिया क्या करते अच्छा बालक जू हाँ बाढ़ भी रखा करते पाले फूले उनका कोई हरकत नहीं आन दिया करते चारा तो पहला फरमाल है कि चना गुआर होंदा चना होंदा गेरे जाते चारा बथेरा होंदा गेरे जाते हैं तो वो एडी ए लगते कोई नहीं अच्छा हाँ तो ट्रैक्टर से काम चाहिए रहा से भाई सारा आपने कोई नहीं पसंद ट्रैक्टर टाइम ट्रैक्टर भाई बात सुन ये ना तो आली रहे वहाँ ना आल बहु है छोरे आप ये भाई आपकी पसंद था ट्रैक्टर करेस आप ही कदे ट्रैक्टर थे खास करके कोई जमीन नहीं बुआई अब इधर हमने हड़ता बुआई है बेट जो हड़ जाना भैन चो थोती धरती हो जाती सारी पैदावार ही होती खूब अब तो दो दो अंगड़े मारे हर रो लगाए दे सर बैठे रहे आ भाई मारो फलाना किला से पड़ लपा से भाई अरे तो बीज ले जाने मेरा बोया ये गले डड़िए घर है उड़ जाता है कोई नहीं अच्छा है एक तो भाई ट्रैक्टर दे बाना ट्रैक्टर दे बोना और ट्रैक्टर दे डोली लानी ठीक अच्छा। है और दवाई भाई ट्रैक्टर से दवाई छिड़कनी
ट्रैक्टर ते फिर मशीन ते कटवानी, मशीन ते कटवानी, घर बैठे रहो आप से अन्ना ना बचो अगले। अच्छा क्या बात। एक मैं बताऊँ कि आजकल जो मजदूर है नी वे भी भाई घने बढ़ रहे और मन मर्जी के रेट मांग रहे। उस टाइम पर तो भाईचारा होया करता, मामा का बेटा है आपका, ताऊ का बेटा वो काम करवा दिया करता। आजकल जो मजदूर के घने तेवर भी बढ़ रहे हैं, उनके भाई इब के अगर हम महंगाई इतनी हो रही तो उनके भाई में भी रेट मांगेंगे आपके भाई। तो मजदूर बारे आपके ख्याल है? मजदूर ख्याल में यह भाई जो महंगाई के हिसाब से अपनी मजदूरी ले लो ठीक है, और गवर्नमेंट ने दे भी रखी जो महंगाई के हिसाब से। जो कई नू भी कह दे यार मजदूर भाई इतने रुपये मांगा है, लेकिन वे नू कौन देख दे जो मजदूर है नी अपना, मजदूर भाई वो भी आप एक इंसान भाई है नी, इंसान है भाई। तो जो गरीब आपने है सुबह पहले वो आपने भी ठंड में पानी पकुन जाया जाओ खेता में और वो काम वगैरह तो रुपये तो मांगे भाई आपके वो है नी। रुपये मांगेगा पानी का, मैं को खाद छिड़केगा अगला, हाँ है दवाई छिड़केगा, और इतनी ठंड में टंकी मेहनत के पैसे तो मांगेगा भाई, मेहनत जरूर तो मांगे भी ठीक है। अरे किसान जब रुपये नहीं होते तो जब थोड़ा दुख भी हो यार गणे महंगाई बढ़ेगी तो ये तो सरकार कर रही बढ़ी महंगाई का, आप हमके लग गया महंगाई इतनी क्यों बढ़ने लग रही है भाई। मेरे वर्गा तेन कह चलाए क्यों दी इतनी महंगी मजदूरी, अरे खाओ के गरीब है बात तो मान रही है, ये भी खाने होंगे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पानी में बड़े हैं काम कर रहे हैं, और हमारे बालक तो जंटर मैन हुए खड़े नहीं भाई ऐसे कर ऐसे कर, अरे जी तो इनका विषय टंकी गैल ने दवाई की और पानी का महीनू छटका है दवाई, तो इनको भी मजदूरी देना क्यों पेट दुखना चाहिए हमारा, हम तो कहा मजदूरी फुल मिलनी चाहिए गरीब की। हाँ जितनी वो मेहनत करे मिलनी चाहिए उसने। हाँ अच्छा, या तो भाई हर बंदे की सोच होया करे भाई यहाँ पे भाई भाई यह कमी है जो कर इतनी जो महंगाई बढ़ने लग रही उसके कारण ये आपके रेट मांगने लग रहे हैं। अरे भाई ये भी क्या करा कर इंतिका पे 300 रुपये की मजदूरी देवांगे 200 की देवांगे भाई, इनके भी घर बालक हैं उन तक भी ना रोटी खुआनी है नहीं। अरे मैं बताऊं बात में महंगाई ठीक है, अरे किसान हम थे नहीं, हम जो किसान खेती करा करते हम सारी चीज सब्जी की बुआ करते, आलू गाजर मूली और भाई हर टमाटर भिंडी घिया कद्दू तोरी मिर्च हरी मिर्च सब सारी चीज बोया करते खेत में। अच्छा है, और भाई मजदूर आंदे कपास उगना दे ले जाओ बे साग खतर ले जाओ मिर्च ले जाओ घिया तोड़ के दे दें दे। अच्छा। किसी के खेत में हरी सब्जी नहीं बो सकता कोई भी, क्या क्या देखो नहीं बोलते नीट खराब हो रही करना पड़े खिचड़ा, हमें खिचड़ा चाहो सब्जी है गए प्याज बोन दे सारी चीज बोया कर दे हमें, तो लहसुन बोन दे सारी हम मूल्य लिया कर दे चीज इब कौन बोन दे अगले। अच्छा एक ताऊ जी नु बताओ आज के टाइम फिर खेती करनी चाहिए किसी ने जी, अगर इसे हालात रहे तो है, अगर इसे हालात रहे तो खेती करनी चाहिए आज के टाइम पे आजकल भाई खेती करे तो भूखा मर जाए मेरे खेती नहीं करेंगे तो भूखे मर जाए लोग है, या तो मानने का बात न तो करनी चाहिए फिर खेती। हाँ खेती तो करनी चाहिए भाई जरूर, खेती में ना तो पड़ा कौन पटनी किन साल। अच्छा जनता है जनता क्या खा हुआ है खेती में ना, आपका भी काम चल रहा है जनता का भी चलता है, देश का पेट तो अभी आपके लोग पाड़े हो। हाँ पेट तो नू क्या अंदा को नहीं, इब कोई टमाटर है वो भी आप उगाओ हो, प्याज भी आप उगाओ हो, सही बात है। इब जो कोई बर्गर पिज्जे की दुकान है शहर में बड़ी बड़ी जो 500 जो पिज्जा बनावे हैं उसमें जो सामान डल है वो तो आप उगाओ हो, वो तो कड़ियाँ तक उन्हें लेके आंदा वो किसान ने बना रहा है, लेकिन बात यह हो रही कि आपने रेट कौन मिलने लग रही जो आप चाहो जो आप मेहनत करो जो इतनी ठंड में यार अगर आपका प्याज 1 किलो 10 रुपये बिका है तो घना घना 30-40 का तो बिकना चाहिए आपका प्याज। यह बात तो मानू स्त्री में इसमें मिलने वाली बात याद है कई फिक्स हो जाए, एक तो हड़का हो से एक भारी हो से अच्छा हो से है, फिर लेने वाले की मर्जी भी हो से लेने वाले की मर्जी हो से भाई ले ले रहे थोड़ा घना पटाने कौन लेंदे ये वे इसमें बात हो जैसे रेंट को नहीं मिलते, रेंट सरकार का तो कोई रेंट नहीं है इसमें मर्ज ये है नहीं व्यापारी ये अपनी मर्जी का भाव लग के रेंट लगाओ सरकार का सब्जी पर और क्या है पर रेंट को नहीं, एक दो तीन एक चीज़ा बस है भाई धान पर गेहूँ पर ये तो गवर्नमेंट खरीद है गवर्नमेंट का और तो इस पर कंट्रोल तो नहीं कोई भाई अगला ही सब्जी किसे बात जोर से ना दो सही बात है बस। अच्छा आखिरी में कुछ कहना चाहो जो देखा आपकी वीडियो उन तक आप
कि मैं कहना चाहोगे आप जो देखा आपकी वीडियो उन तक आप? भाई मैं तो के कुछ नहीं कहना चाहता, एक तो मैं यही कहना चाहूँ भाई जमाना खराब हो गया, भगवान संभाल ले सौखा से भाई तो बस। और भाई एक बात का ध्यान दियो, अगर आप इस गांव में हो तो भाई जो शराब का जो ठेके है नहीं भाई ये दूर करवा दो, गांव से थोड़ा बहुत दूर है नहीं, इन्हें बंद करवाने की कौन कहते तो जी, लेकिन नू को थोड़ा दूर कर दूंगी भाई यार, तो नहीं माता बहने यार सारा सुधा जावे है नहीं तो या चढ़ाओ सके तो है आपकी सारा देश दिखेगा ही आपकी। हाँ आवेगी बात आपकी, बतावागे आपकी बात ठेका वाली बात भाई, जो 5 किलो दूर होना चाहिए ठेका भाई, जो रोड है नहीं इस रोड भाई वो ठेका नहीं होना चाहिए है नहीं, और है भाई कहीं ठेका तो उसकी भाई अटाऊ रहते है 5 किलो दूर होना चाहिए। तो धन्यवाद आपने टाइम दिया मार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। अच्छा तो भाई देखो ऐसे थे भाई हमारे ताऊ जी भाई, जो कि आपने भी देखे। तो भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और भाई आपको हर घर में भाई जो है ताऊ जी भाई ये पहुँचाने हैं, इनकी आवाज़ ये पहुँचानी है आपको इनकी आवाज़, और भाई इनकी भाई जो एक डिमांड है भाई वो ठेके वाली भाई वो इनकी वो दूर करना उसके तो आपसे, तो हमारा काम था वो चीज़ आपको दिखाना। इन 5 किलो दूर होनी चाहिए, 5 किलो गाँव बस्ती गाँव से भाई 5 किलो वो दूर होनी चाहिए। तो भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, भाई आपको अपने भाई को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।